पूरे के पूरे परिवार की ट्रेन से कटकर साथियों हो गई मौत। जी हां साथियों, पति पत्नी और बच्चे समेत साथियों सभी की ट्रेन से कटकर हो गए अलग अलग। एक बेहद साथियों बुरी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों आपको पूरी जानकारी देंगे, निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता देंगे दोस्तों जो खबर इस वक्त की गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ रील्स बनाने में पद्मावत एक्सप्रेस से कटकर पति पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों ट्रैक के बीच खड़े होकर रील्स बना रहे थे। वो इतने बिजी थे कि उन्हें न तो ट्रेन की हेडलाइट दिखी और न ही हॉर्न सुनाई दिया। घटना मसूरी इलाके का है। हादसा इतना भयानक था कि तीनों के शव के टुकड़े टुकड़े हो गए। शव ट्रैक से 100 मीटर की दूरी पर बिखरे पड़े थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शवों को टुकड़ों को भीन कर उठाने में करीब 30 मिनट लगे। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर RC पंत ने बताया कि बुधवार रात 9 बजे कल्लूगढ़ी फाटक और डासना स्टेशन के बीच हादसा हुआ है। 80 किलोमीटर की स्पीड में पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट ने स्टेशन को दी गई लिखित सूचना में बताया तो दो युवक और एक युवती ट्रेन की पटरी पर खड़े थे। उनके मोबाइल के फ्लैश लाइट चालू थे जिससे दिखाई दे रहा था कि वो वीडियो शूट कर रहे थे। बड़ी खबर शेयर लाइक करें। थैंक यू।